बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को और तमाम हमारे बहन भाई जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो आज हमने बनाए हैं चिकन नगर्स, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। बाज़ार से आप खाते हैं लेकिन घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमारे पास है ब्रेड, तो इनकी साइडें जो है वो हम उतार लेंगे। इन चार से पांच जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं उनकी हमने कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ब्रेड डालते हैं। किनारे जो हैं वो हमने अलग कर लिए हैं, वो नहीं डालने। जूसर मशीन है, उसी में हम काम चला रहे हैं। ब्रेड जो हमारी ये हमने पीस ली है, तो अभी इसमें हमने डालना है बोनलेस चिकन। चिकन जो हम डाल रहे हैं ये बोनलेस है और ये तकरीबन आधा किलो है। नमक डालेंगे, कुटी हुई वाइट मिर्च ये डालते हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, सोया सॉस जो है वो तकरीबन डेढ़ चम्मच, थोड़ी सी हम आधा चम्मच के करीब लाल कुटी हुई मिर्च डाल लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हम इसे मिक्स एक दफ़ा। तो अभी इसको हम ग्राइंड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये कीमा बन गया हमारा। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। इसके ऊपर कुकिंग ऑयल, इस तरह इसको हम थोड़ा हाथ की मदद से फैलाएँगे। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेल लिया है और इसकी हमने शेप बनानी है ऐसे, थोड़ी बराबर रख के इसकी हम बनाएंगे जैसे मिठाई की टुकड़ियाँ नहीं होती। छुरी को लगा लिया कुकिंग ऑयल ताकि छुरी के साथ ये ना लगे। लगाएंगे कट ऐसे और अभी ऐसे और ऐसे। माशाल्लाह ये चीज़ बन गई है। अभी हम इस तरह एक एक करके जो है ऐसे उठाएंगे और अभी इसको हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड जो है उसके क्रम्स हमें चाहिए। तो अभी हमारे पास हैं ब्रेड क्रम्स और ये बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर बाज़ार से नहीं मिलते तो आप जो ब्रेड हमने इसके अंदर डाली है नगर्स के अंदर, इसमें आप जो इसके किनारे हमने उतारे हैं उसे थोड़ा ग्राइंड करके उसके भी बना सकते हैं। फिर जो है इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी हमारे पास दूध है, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, एक अदद इसमें हम डालेंगे अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह कर दें मिक्स। इसमें डालेंगे, इसमें डिप करेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद अभी इसको हम क्रम्स लगाते हैं अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ रही है। साइड चेंज करते हैं, जो पहले हमने डाला था कुछ इस तरह, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो चिकन नगर्स जो हैं ये बाज़ार से तो अक्सर आप खाते होंगे, लेकिन अगर आप घर में बनाएं तो बड़ी आसानी से एक तो बन जाएंगे, दूसरा बाज़ार से बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं और लुक भी बहुत अच्छी है और टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इनको हम फ्राई कर रहे हैं। अभी हम साइड जो है वो चेंज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए हैं, निकालते जाएंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कीजिएगा बहुत ही परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसी तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।